सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर अनुग्रह और शांति होती रहे। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आए कि वह उन लोगों को बचा सके जो लोग पाप में फंसे हुए हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आए जो लोग खो चुके थे, जो लोग पापों में फंसे हुए थे। अब हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने जीवन को देने के लिए आए थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय वचन 28 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। चलिए अब हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आए थे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 10 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि हमें किस प्रकार से पवित्र जीवन व्यतीत करना है सिखाने के लिए। जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 21 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं, और वे हमें किस प्रकार से पवित्र जीवन व्यतीत करना है वह सिखा कर गए, और हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना है। अब हम एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वह शैतान के सारे कामों को खत्म कर सके। जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 8 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे।